सो हेलो वॉट्स कैसे हैं आप सब तो इस वीडियो में बेसिकली दिस इज द थैंक यू वीडियो या कह सकते हो आप वीडियो फॉर ऑल हु ट्रस्टेड इन अवर ऑडिट बैच एंड ऑल हु ट्रस्टेड इन अवर ऑडिट नोट जो हमने 175 पेजेस पेजेस yes, पूरे ऑडिट के स्टडी मटेरियल को 175 में कंसाइज किया था उसमें से आज के पेपर में कितना आया वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कई सारे बच्चे जो मे ट्वेंटी थ्री के एग्जाम देने वाले हैं दे विल बी कंसिडरिंग उनको क्या मटीरियल रखना चाहिए बिकॉज

टू सी वाला पार्ट दैट इज सैंपलिंग का जो क्वेश्चन था दैट कवर्ड कवर्ड बट इट नॉट तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है मान लेते कि वो कवर्ड नहीं था एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू उन्होंने अपना जो पेपर का पैटर्न है वो वैसा ही रखा जैसा मैंने सोचा था इफ आई टॉक अबाउट एमसीक्यूज एमसीक्यूज भी अगर मैं तीस नंबर की बात करूं तो उसमें से सिर्फ तीन से चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बच्चों से फीडबैक मिला है विच वर विच इन विच दे वर लिटल बिट अनकंफर्टेबल बाकी एमसीक्यूज भी एकदम ठीक थे तो इफ आई टॉक अबाउट द पेपर करेक्ट एंड करेक्ट का जनरल व्यू है वो यही है कि अगर आपकी थी, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठीक थी आपने से प्रिपेयर किया है तो ये जो मार्क्स है इसमें आप आराम से दस नंबर तो स्कोर कर सकते हो ये मान के चलते दो करेक्ट एंड करेक्ट गलत हो जाए बट ओवरऑल करेक्ट एंड करेक्ट वर इजी इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा उसमें जो पहला पार्ट था इट वाज रिगार्डिंग योर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन इस ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका जो सवाल होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं लॉ और अकाउंट्स पे तो जो अकाउंट्स में आप थ्री पढ़ते हो और जो आप अपना कंपनी लॉ पढ़ते हो उस पर यह सवाल होते हैं तो अगर आपकी कंपनी लॉ और अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी होती है तो फिर आप इनको अच्छे से डील कर लेते हो इफ आई टॉक अबाउट द बी पार्ट दिस बी पार्ट वॉज देयर फ्रॉम यूर एसे टू हंड्रेड एंड टेन एंड ये क्वेश्चन भी आईसी दो बार पूछ चुका है आर नवंबर 19 और आर नवंबर 22 सो वी हैड कवर्ड दिस इन द क्लास आल्सो और ये चार नंबर पक्के पक्के आपके बन जाते हैं अगला जो क्वेश्चन था पार्ट सी दिस वाज द वन जिसकी मैं बात कर रहा था ये वाला जो चीज थी ये हमने पार्शियली कवर कर रखा था बट स्टिल ठीक है तीन नंबर का यह तो कुछ ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है फिर आता है पॉइंट नंबर डी दिस वॉज रिगार्डिंग योर

पहला अगर क्वेश्चन में पूछूं तो दिस इज जस्ट अ बेसिक सवाल कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू ऑडिट एविडेंस तो वही जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ए ई e, आई ओ यू बोलते हो आप एनालिटिकल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन आपलिटिकलेशन एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन री कैल्कुलशन री परफॉर्मेंस उन्हीं की बात यहाँ पे कर रखी है देन द अदर पार्ट बी सी एंड डी ये तीनों के तीनों आपके ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाते है। अगर किसी बच्चे ने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी किया

ये आईसीए के स्टडी मटेरियल में थोड़ा छुप के बैठा हुआ है ये आईसीए के स्टडी मटेरियल में थोड़ा छुप के बैठा हुआ है एंड क्या हमने नोट्स में कवर किया था द आंसर इज यस किया था तो अगर मैं आपको दिखाऊं नोट्स में भी किस तरह से कवर किया था तो हाँ जिस बच्चे ने नोट्स भी पढ़े हैं हो सकता है उससे भी छूट गया हो सकता है उससे भी छूट गया और दिखाता हूं मैं आपको कैसे कवर था एनालिटिकल प्रोसीजर

मैराथन के टाइम पे भी कि अगर पुराने वाले ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है तो एज अ करंट ईयर का ऑडिटर मुझे क्या करना चाहिए तो ये चार नंबर का सवाल है अगेन किसी बच्चे ने 710 स्किप किया होगा क्योंकि वो लास्ट ऐसे बनता है ऑडिट रिपोर्टिंग का तो फिर उसको गड़बड़ हुई होगी तो एज as ऐसे जितना करके जा रहे हो वो अच्छे से करके जाओ Doing quality is better than covering quantity. Doing quality is better than covering the quantity. B part was regarding your company audit. Maximum number of audits जो एक बंदा accept कर सकता है, एक बंदा यहाँ पे full time employment में था तो उसको consider नहीं करेंगे। जो बंदा full time employment में उसको consider नहीं करते तो बाकी दो बंदे 20-20 audit ले सकते हैं। तो 40 audit वो ले चुके थे, 40 audit वो ले चुके हैं। क्या उनको और audit accept करने चाहिए? The answer is no. Public limited entity है तो public company का आप audit accept नहीं क क्वेश्चन सी क्वेश्चन डी वर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर आरटीपी आरटीपी 21 एंड नवंबर 20 तो so, जैसा मैंने कहा अगर आप RTPs, MTPs, अच्छे से कवर करके चल रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता देन दिस सिनेमा कॉम्प्लेक्स ये वाला जो क्वेश्चन था ये आरटीपी में भी आया हुआ था आरटीपी जो आपकी थी नवंबर ट्वेंटी की एंड उसमें था रिसीट्स के ऊपर उसी रिसीट्स का एक सब पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द रिसीट तो वही इंटरनल कंट्रोल इन्होंने पूछे हुए थे तो अगर आपका एग्जाम अब मे 23 में है तो एक बात ध्यान में रख लो मेरे दोस्त RTPs, MTPs, चेक करनी है, तो as a आप क्या क्या वेरीफाई करोगे तो अगर मैं आपको बोलूँ स्टडी मटीरियल में एनपीए में बहुत सारी चीजें कवर्ड है कि प्रोविजनिंग की क्या परसेंटेज होनी चाहिए उसके बाद एडवांस के अंदर भी उन्होंने कई सारे सब टॉपिक दे रखे हैं तो अब चार नंबर में आई सी क्या चाहता है अब चार नंबर में आई से क्या चाहता है ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है बट अगेन इफ यू हैव डेल्ट विद दिस क्वेश्चन इन द एंड आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक लिख दिया तो यू शुड बी एबल टू गेट सम गुड मार्क्स री वेरी एक्सपेक्टेड एल एल पी इज अ टॉपिक जो आई सी आई को बहुत पसंद है तो इसके बारे में जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट की चीज पूछी अगेन वी हेड कवर्ड इन द्लास वी हेड कवर्ड इन द नोट्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने इसको कवर किया होना चाहिए एंड हाउ वट आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपैलिटी का क्या मतलब होता है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जनरली बच्चा ये सब चीजें शायद से पढ़ के नहीं जाता तो आपको ये चीज भी हिट कर सकती है

कितने? 15 भी स्कोर नहीं कर, सर, कर लेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा करेक्ट जो, जो टोटल वेटेज है आप उसमें से ट्वेंटी फाइव स्कोर कर देते हो प्लस जो बाकी आपका फिफ्टी सिक्स मार्क्स का पेपर बचता है उसमें अगर आप पंद्रह नंबर भी स्कोर कर देते हो तब भी आपके चालीस बन जाते हैं मेरे दोस्त तो, तब भी आपके चालीस बन जाते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है और उन लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे नोट्स और क्लासेस पे विश्वास किया बिकॉज पेपर पेपर तो आ गया। पेपर तो आ आ गया गया अब उसमें से अब देखना है कि है कि बॉस का रिजल्ट कैसा आता सो विशिंग यू द बेस्ट एकदम मन लगा के किसके लिए पढ़ेंगे सर अब आप पढ़ेंगे EISSM के लिए पूरी शिद्दत के साथ क्योंकि दो पेपर रह गए इन दोनों पेपर को भी आपने एकदम मजेदार तरीके से निपटाना है विशिंग यू द बेस्ट यू ही मन लगा के पढ़ते रहो क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे